सैलाब ने इस वक्त पूरे जनूबी पंजाब को मुतासर किया हुआ है। 16 अजला इस वक्त डूबे हुए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 8 लाख क्यूसिक का रेला आ रहा है। चश्मा बिराज से लैया, तौसा, डीजी खान, राजनपुर सब मुतासर होंगे। इस वक्त हम करोल लालिसन में मौजूद हैं और MNA अब्दुल मजीद खान न्याजी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या इंतजाम किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सैलाब के हवाले से क्या इंतजाम? जी बिल्कुल, हमारे ज़िलाई इंतजामिया और ख़ास तौर पर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर वजीर समरीन साहब बहुत ज़्यादा अच्छे इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल मुनक़त हो गए हैं ज़मीनी रास्तों से। जैसे कि ये खाई जहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ के लोग बिल्कुल हर तरफ से पानी पानी है। इनके लिए खुराक का बंदोबस्त कर रहे हैं, इनके लिए हमने वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए हम वहाँ पर जो कॉलेज में स्कूलों में एक फ्लड रिलीफ कैंप बनाए हुए हैं, तो यहाँ वहाँ पर इनको ले जाने के लिए कन्विंस कर रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमने पिछला सैलाब भी भुगताया और ये भी, यहाँ पर पानी आता है नहीं आता, लेकिन इस टाइम बहुत डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि मेरे मियाँ वाली में रबता है, मियाँ वाली से जो इजलायात आ रहे हैं वो है कि 8.5 लाख क्यूसिक का रेला आ रहा है। मेरे ख्याल है उसमें कोई चीज़ भी सेफ नहीं रहेगी। तो हम लोग सारे कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ से मुंतकिल करें। हमने ट्रालियाँ भी मुहैया की हैं, ज़िलाई हुकूमत ने, तहसील हुकूमत ने, सब ने ट्रालियाँ, हमने खुद ज़्यादा तौर पर ट्रालियाँ मुहैया की हैं यहाँ पर खाई में, वाड़ा में, शीह वाला, डफी मकोड़ी और ऐसे ही बसीरा में, यूँ ही सब ने मुहैया की हैं और लोगों को कोशिश करें कि यहाँ से निकालें। सर, हमारी इनसे बात हुई है, ये जो लोग ये आबादी वाले हैं इनका कहना है कि हम इसलिए रिलीफ कैंपों में नहीं जा रहे कि एक कमरे में 20-20 लोगों के इंतजाम किए गए हैं और हमारे बच्चे वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही आज इनको कन्विंस करने हैं कि आपको हम सेपरेट स्कूल देंगे। तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ जगहों पर हमने ऐसे किया कि जो बिरादरियों के लोग हैं, मतलब एक ही फैमिली के लोग हैं, उनको इकट्ठा रखेंगे और हमारे स्कूल में पार्टीशन होती हैं, हम सबको सेपरेट रखेंगे। ये नहीं है कि एक हमने कॉलेज में जगह बना ली है, एक हाई स्कूल में नहीं, सैकड़ों स्कूल खड़े हुए हैं। जब ये लोग आएंगे इंशाल्लाह हम सेपरेट जगह देंगे और इनकी इज्जत और पर्दा भी महफूज रहेगा और इनकी खिदमत भी करेंगे। इनको हुकूमत की तरफ जो रिलीफ पैकेज आ रहा है वो भी मिलेगा और इनको अच्छी सहूलियात और खास तौर पे इनके जानवरों की वैक्सीनेशन वहाँ पे, जो लाइफ स्टॉक का अमला है वो भी वहाँ पे मौजूद है और साथ इनके चारे का भी, इनके जानवरों का हमने इंतजाम किया हुआ है। तो हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग आए, आपको मुकम्मल तहफ़ फराम किया जाएगा। नहीं सब, आप बहुत अच्छा काम किए कर रहे हैं, अपने फूड हैम्पर्स बनाए, कुक फूड आप तकसीम कर रहे हैं, रिलीफ कैंप बनाए हैं और वैक्सीनेशन सारा कुछ आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन बाजारों में अद्वियात शॉर्ट हो गई हैं, पैनाडोल नहीं मिल रही लोगों को, लोग बड़े परेशान हैं कि पैनाडोल नहीं मिल रही, उसके लिए आपने क्या इंतजाम किए? देखिए जी, अभी हमने कॉल किया CEO हेल्थ को, वो अभी तशरीफ ला रहे हैं यहाँ पे वाड़ा यूनियन काउंसिल में। हम उनसे यही जो आपने बात की, हम भी इसको वो कर रहे हैं, भी बिल्कुल बैक कर रहे हैं, भी वाकई आपकी बात ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हर चीज़ मुहैया होगी और आज ही हम इस पर इमरजेंसी लगा रहे हैं मेडिसिन पर इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मेडिसिन पे इमरजेंसी लगाई जा रही है लैया में और इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। ये थे MNA अब्दुल मजीद खान न्याजी जो कह रहे थे कि रिलीफ हर बंदे तक पहुंचेगा, यहाँ से लोगों को सेफ मकाम पर मुंतकिल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, इन लोगों को मनाया जा रहा है। ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि जब सैलाब ख़त्म होगा कि इनका कोई वाली वारस नहीं होगा, इनको वापस मूवमेंट कोई नहीं करवाएगा, तो वो जिम्मेदारी ली है MNA अब्दुल मजीद खान न्याजी ने कि हम इनको वापस मूवमेंट भी करवाएंगे और इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। जी।